मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है, क्यों? कारण, मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है, और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहिए, किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धृतराष्ट्र पुत्र, दुर्योधन की ओर से पांडु पुत्र है, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को हे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पवन पुत्र भीम को सह प्रेम, स्वीकार करें। धनुर्धारी अर्जुन, इंद्र के पुत्र, गुरुवंशी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट स्वीकार करो। अश्विनी कुमार के पुत्रों को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट। मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे धृतराष्ट्र पुत्र? अब पांच पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है, तो तुम्हें यज्ञ पुत्री कह सकता हूं। बात यदि उद्गम की है तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित हैं। घट पुत्र, अब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, अतिथियों के पूजा के बाद ही आप सम्राट सिद्ध होंगे। मैं अग्र पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो आर्य व्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनके कारण ये यज्ञ संपन्न हुआ है, और वो हैं वासुदेव कृष्ण।
रुक। अब समय आ गया है इस यज्ञ के विध्वंस का और शिशुपाल की दुष्टता के प्रारंभ का। समय आ गया है शिशुपाल की दुष्टता के अंत का। किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की। अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो। और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए? वो यज्ञ के आह्वान कर्ता का अधिकार है। आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दंभ है तो तुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दंभ हो भी तो किस बात का? पांच पिताओं के पुत्र को कुल का दंभ हो भी नहीं सकता। सावधान शिशुपाल, चिल्लाओ मत भीम। इस बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सत्य ही कह रहा हूं। राजसूय यज्ञ कर लिया, परंतु सम्राट होने का गर्व कहां वर्णावत के भगोड़ों के पास? कहीं दान में मिले राज्य को पाकर शूर होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात स्वयं को न्यायशील कहने का साहस भी नहीं? केवल शरीर ही बड़ा पाया है या साहस भी है भगोड़े कहीं के? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथि स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर, मुझे रोक रहे हो? अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को पांच पुरुषों में बांटने को आदेश दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल। ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। ये देखो, श्री कृष्ण वासुदेव बोले, सार का सबसे बड़ा पाखंडी छली कामी मुझे सिखाएगा कि किसका अपमान किया जाए, किसका सम्मान। अग्र पूजा की कामना रखने वाले, तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि तू है ही मन का काला। तेरे माता पिता ने तुझे जन्म देते ही इसलिए त्याग कर मथुरा से गोकुल पहुंचाया, क्योंकि तेरे पांव देखते ही भाप गए थे कि तू कुलनाशक स्थित होगा। वही किया तूने, वही किया अपने मामा का पथ। जीभा और अश्व की गति एक समान होती है शिशुपाल, यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को। श्री कृष्ण वासुदेव की बड़ी बड़ी बातें। अरे जो सत्य है उसको कहने में जिह्वा को लाज कैसी? बचपन से धूर्त रहा है तू। सब जानते हैं माखन स्वयं चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता धूर्त। मुझे कहता है कि जिह्वा पर रास कसूं। तूने जो वृंदावन में रास रचाए
वह संसार जानता है, कामी है तू कामी। प्रेम का झांसा देकर जो स्त्रियों को ताड़ता रहा, वो मुझे स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है। क्या क्या नहीं किया तूने? स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र तूने चुराए। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया। मैं सावधान करता हूं तुम्हें, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो शिशुपाल, अपनी सीमा में रहो। धैर्य तो मेरा टूट गया है, उसकी अग्र पूजा होते देखकर जिसने सदा पीठ पीछे से प्रहार किया। कायर है तू कायर, सीमाएं तो तूने लांघी हैं, छल से रुक्मणी का हरण किया तूने। स्त्रियों का अपहरण करने वाले दोस्त, तुम्हारे पापों का घड़ा भरता जा रहा है शिशुपाल, सावधान। क्या करेगा तू? युद्ध करेगा मुझसे जैसे जरासंध से किया? रणछोड़! अरे युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला कायर है ये, रणछोड़ है, दुष्ट है ये। क्या करेगा तेरे ये दास पांडव, इनके द्वारा तो मुझे भी मरवा देगा। कुलनाशक है तू, और तुझे अग्र पूजा का सम्मान चाहिए। थू बस शिशुपाल, अपनी सीमा को वश में रखो। हट, मुझे एक सूत पुत्र की मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। नहीं अंगराज, रुक जाओ, निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत कर। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन दास पांडवों को, मेरे जैसे वीर को नहीं। मुश्री, इस कृष्ण ने विषय को अपनी ओर मोड़ लिया है। शिशुपाल के सौ अपराध भी पूर्ण होने वाले हैं, सिर्फ इसे रोकना होगा। शिशुपाल ठहरो, सब दूर रहना कायर दुर्योधन, स्वयं से कुछ होता नहीं है और मुझे रोक रहे हो। बैठे रहो अपने मामा को उतरिया पकड़कर। आज इस स्त्री के मान का पाखंड करने वाले को उसका उचित स्थान दिखाकर रहूंगा मैं। 16,000 रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो तू पांचाल चला गया। तेरा और इस पांचाली का क्या संबंध है? किसी से छिपा नहीं है।
पांचाली का विवाह तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू। एक तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे, मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव, ये अन्याय, मैं इसका वे बचा लीजिए। राज, मैं रक्षा करो, मैं दोस्त हूं, कायर हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है
वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने, इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं, ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम अतिथि ने अतिथि का वध नहीं किया, दूसरा अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था, इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया, तीसरा उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला, और चौथा जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं सम्मानित होता है। दुर्योधन, विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो। वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। मित्र शांत हो जा, इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो, तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। दल! मैं शांत नहीं रहूंगा। यह एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है, अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहां आए हैं क्यों थे। चलिए मामा श्री। मित्र मामा श्री इसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र, मैं तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। कान, अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा।